नजारा देखिए भाई, वाओ, ब्लू ब्लू स्काई मैन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो सभी मेरे दोस्तों को राम राम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। जैसे कि आपको पता है गाइस, मैं गांव में रखा हूँ भाई आजकल। तो आज भाई मैं जा रहा हूँ गौशाला जा रहा है आपका भाई, यहीं पे है, यहाँ पे कुछ यहीं पे है यार खड्ड में। तो गौशाला जा रहा है, वहाँ पे गाय को रोटी देनी है भाई जाके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, तो अभी देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। और दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का भाई 3:15 हो गया भाई दोपहर का। एंड अभी बस सडनली प्लान बना मेरा कि भाई गौशाला जाते हैं, तो गौशाला जाएंगे। रास्ता कुछ ठीक नहीं है भाई, ऑफ रोडिंग है बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी है, और मैंने बाइक की चेन पे ऑयलिंग करवा रखी है, ये धूल सारी बैठ जाएगी चेन पे। तो चलो कोई ना, धीरे धीरे जाएंगे। नहीं यार, ये सही कर दिया काम इन्होंने, यहाँ पे सीमेंटेड कर दिया। अब तो गाय तो मुझे दिख गई यहाँ पे, वहाँ पे बैठी है, अब पता नहीं गाय की बैल है, वो करीब जाके ही पता चलेगा। तो बाइक मैंने लगा दी है यहाँ पे, और अब चलते हैं अंदर गौशाला में। और मेरे को आपको पहले ये नज़ारा दिखाना था, ये देखिए भाई इस साइड की पहाड़ी देखिए आप, इस पहाड़ी को देख रहे हो आप। देखिए भाई जो इस साइड के भाई जो लोग रहते हैं भाई, देखिए आप। तो भाई उनको तो भाई मैं बोलता हूँ 11 बजे तक किया धूप, 12-1 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए वहाँ बिल्कुल छाँव हो चुकी है बिल्कुल वहाँ पे भाई। तो सर्दियों के टाइम में जो लोग हैं भाई उस साइड के भाई, उनको थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं पड़ती है, कपड़े नहीं सूखेंगे, और भी बड़ी दिक्कत आती हैं। और गर्मियों के टाइम में उनके मज़े हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं पड़ती है ज़्यादा, और हमारे वाली साइड धूप ज़्यादा पड़ती है भाई। तो ये है कुछ भाई वहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता ना, मैं उस साइड जैसे मैं कल आ रहा था भाई बाइक पे, तो भाई उस साइड से मैं आया भाई तो बहुत ठंड लगी मेरे को भाई। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हालत ख़राब होने वाली है भाई। तो अब चलते हैं अंदर, ये वो है गौशाला। वैसे यहाँ से खाली था यार, मुझे बाइक अंदर ले आनी थी, पर चलो कोई नहीं, वहाँ पर भी ठीक है, कोई नहीं छिड़ता वहाँ पर भी। देखिए भाई बड़े बड़े सिंह है भाई इनके, उड़ाए ना मेरे को, बाकी तो ठीक है। देखिए चलो भाई आ गई रोटी गाय की, भाई मारे ना मेरे को गाय माता। लो जी, वाह, सो स्वीट ऑफ यू, जय हो, क्या बात है भाई। सिंह देख के डर लग रहा है भाई, बाकी तो ठीक है, बाकी तो वैसे प्यारी है ये। हाँ। लो जी, तो भाई अंदर आ गया भाई, मैं खुले नहीं हूँ कोई भाई, वैसे वरना नंबर लग जाएगा अपना। गाइस कल जाना है मुझे शिमला सुबह 5-5:30 बजे उठ के, और सोच रहे हैं अभी कि बाइक पे जाएं या बस में जाएं, क्योंकि यही डिसाइड नहीं हो पा रहा अभी तक कि बाइक पे जाऊं या बस में जाऊं। सो प्लान ये है कि कल शिमला जाना है, शिमला में जाना है गाइस अपने को HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भाई को काम है आपके को। तो कल शिमला में टाइम से पहुँचना पड़ेगा मेरे को, अगर मैं यहाँ से 5:30 बस में जाऊँ ना भाई, यहाँ से पहली बस चलती है 5:05 बजे, तो वो पहुँचा देगी मेरे को 7 बजे। 7 बजे से लगा लो 3 घंटे लगने मेरे को सारे, 3-4 घंटे, 3.5 घंटे आई थिंक शिमला के, 5-8-10 बजे तक पहुँच जाऊँ मैं, क्योंकि मेरे को काम है कल यार यूनिवर्सिटी पहुँचना है मेरे को, क्योंकि विंटर्स की फिर यार छुट्टियाँ पड़ जाती हैं फिर यूनिवर्सिटी में ना भाई, तो काम नहीं होना मेरा फिर वो। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कल जाके इस काम को कर लिया जाए, और अगर मैं बाइक लेके गया, अभी जैसे प्लान बन रहा है मेरा, बाकी देखते हैं रात को डिसाइड करूँगा कि मैं बाइक लेके जाऊँगा या नहीं लेके जाऊँगा, वो तो रात को ही डिसाइड करेंगे। अगर बाइक का प्लान नहीं बना, अगर बना बस का भाई, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना हेलमेट ले जाऊँ साथ में, क्योंकि वहाँ पर मनु के पास बाइक है ना भाई, तो इन केस अगर वहाँ से कुछ ट्रिप वगैरह बन गया तो अपना हेलमेट अपने साथ होगा, तो भाई मैं आपको ब्लॉग दे पाऊँगा, वरना ब्लॉग देने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम। बाकी देखते हैं होता है क्या, वो आज रात को ही डिसाइड करूँगा, और कल सुबह यहाँ से 5:30 बजे निकलना, चाहे बाइक हो चाहे बस हो, 5:30 बजे निकलना अपने को यहाँ से शिमला के लिए, बहुत ज़रूरी काम है। तो यही था आज का दिन, और गाँव में गाँव का कंटेंट गाइस, गाँव का कंटेंट
गांव के कंटेंट में आपको ज़्यादा थ्रिल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये बेसिक सा कंटेंट रहने वाला है, नॉर्मल सा, बट जो है वो दिखाना है अपने को, बस ये है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि गांव के कंटेंट में भी थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने। सो यही था, अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ और करते हैं तैयारी जाके। कपड़े मेरे गिल्ले पड़े हुए हैं, वो सूखने डालने पड़ेंगे। सूखने क्या ही है अब भाई, सूर्यास्त हो गए हैं, सूर्यास्त बाबे मस्त। चलो, पर जाने से पहले यार एक चीज़ दिखी मेरे को, पहले मुझे ये देखना ये क्या का निर्माण कार्य चला हुआ है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे मुझे ये देखना था, ये है क्या चीज़ है, ये क्या बन गया, ये गांव में एयरपोर्ट तो नहीं बना दिया उन्होंने तो मैं देखता हूँ भाई चल के ये क्या है, ये व्हाट इज दिस मैन। एयरपोर्ट बनाना, तो एयरपोर्ट बन जाएगा वैसे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी जो ज़मीन है भाई वो स्ट्रेट है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है। एयरपोर्ट बनाना तो बना सकते हो यहाँ पे, काफ़ी तरक्की हो जाएगी गाँव की। तो चलते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए अब क्लोज से, तो भाई ये मुझे लग रहा है तो ये बोलता नहीं भाई डब्बा सा लिफ्ट, तो मेरे को वही लग रही है भाई ये, हाँ वही है ये। तो ये सामान वगैरह यहाँ से वहाँ भेजना ना भाई, तो इस लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। होता क्या है कि कई बार जैसे बरसात में गाइस यहाँ पे पानी काफ़ी आ जाता है खड्ड में, तो वहाँ से यहाँ को क्रॉस करने में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक ये उसी पर्पज से बनाया गया है, ये रस्सी खींचनी होती है, हाँ रस्सी खींचनी है, और वो वहाँ पर डब्बा है ना भाई, वो डब्बा यहाँ पे आ जाएगा, पर ये मैं से खींचने जाएगा अकेले से, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना एक हाथ से, तो इसके लिए दो दिन बंदे होने चाहिए। ऐसा एक और बन रखा है भाई वहाँ पे, जहाँ पे एक शमशान घाट भाई वहाँ पे ना ऊपर, तो वहाँ पे बन रखा है भाई ऐसा सेम बिल्कुल, यहाँ से वहाँ जाने को इसमें बैठ के है। तो मस्त चीज़ है ये, पर इसमें भाई मेहनत बहुत लगने वाली है, क्योंकि खींचने में भाई बहुत ज़ोर लगता है, मुझे पता है तो बढ़िया है वैसे ये, पर मैं बोलता हूँ इतना खर्चा ऐसा करा है भाई, इतने में तो भाई पुली डाल देते ये तो और बढ़िया रहता, क्योंकि थोड़ा पुल डाल देते भाई तो व्हीकल्स भी लोगों के वहाँ तक जाने थे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई वहाँ पे ना लोगों के व्हीकल्स लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि खड्ड में है पानी, चलो आजकल तो पानी तो कम है तो आजकल तो चले भी जाते होंगे भाई, पर बात करूँ मैं बरसात की तो भाई बरसात में आप देख रहे हो, ये देखिए ये खड्ड है ना भाई, वो देखिए भाई सारा भाई तगड़ा फ्लो होता है भाई पानी का यहाँ पे, बहुत तगड़ा। उस टाइम होती है ज़्यादा दिक्कत भाई रोड खड्ड क्रॉस करने में, रोड नहीं सॉरी खड्ड क्रॉस करने में। तो ये देख सकते हो भाई, आपके सामने लोगों की समस्या रख रहा हूँ भाई मैं जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स है उस साइड वालों की। तो ये आ गया मेन रोड। तो सुबह का 4-5 बजे का प्लान बनाया था मैंने यहाँ से निकलने का, बट अभी भाई दोपहर का बताऊँ टाइम आपको, भाई 12:30 हो गया भाई दोपहर का। तो ऐसा है ना गाइज कि मैं घर में अकेला हूँ, सो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, और बैग मैंने माउंट कर दिया बाइक पे, देखिए इस बैग में है मेरे गाइज कपड़े। आपको पता है कि विंटर्स में जा रहा हूँ मैं शिमला, तो 1-1.5 हफ्ता वहीं पे रहना मेरे को, तो वहीं पे आपको पता है कि भाई ठंड बहुत होने वाली है, तो इसलिए बैग मैंने टांग दिया इस पर, और इस पर ही अपने मोटे जैकेट वगैरह इसमें डाल लिया मैंने, और एक बैग ये है मेरा, इसमें अपना ज़रूरी सामान इसमें डाल दिया है। तो चलते हैं यहाँ से भाई, करते हैं स्टार्ट गाड़ी अपनी। 12:43 बता रही है बाइक मेरी, तो भाई 1:15 बजे निकला मैं घर से, तो ये लगा लो कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ से है कुछ 130-140 किलोमीटर का डिस्टेंस है शिमला का, तो ये लेके चलो अगर मैं आराम आराम से चलूँगा भाई 3-4 घंटे या 5 घंटे तक मेरे को सफ़र में लग जाएंगे, अपन आराम से चलेंगे। और बाकी पता नहीं, अभी मेरे को एक काम मंडी में भी है, पर वो अभी देखते हैं, अभी उसकी कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है। अभी अगर बनता है कि प्लान मेरा मंडी जाने का, तो मंडी भी जाना पड़ेगा आज ही, और आज ही जाना पड़ेगा शिमला, पर वो डिसाइड करूँगा मैं आगे जाके कि जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी ज़रूरी काम है अपने को। और अभी आप ये जो रास्ता देख रहे हो गाइस, ये जंगल से होते हुए जाता रास्ता, जंगल रोड है ये, जंगल रोड। तो ये रोड भी आगे जो हमारा जो बरठी बिलासपुर से लिंक करता है ना गाइस रोड, जो दूसरा रोड है, तो उसी से आगे मिलता है ये। और इसमें ऐसा है कि इसमें बढ़िया बात यह है कि ट्रैफिक नहीं है इसमें, और धूल मिट्टी नहीं है, और ख़राब तो वैसे ये भी है, पर इतना ख़राब नहीं है, ठीक ही है। ये देखिए भाई, ये आगे नेशनल हाईवे
हर महादेव, जय हो। तो यहाँ पे स्टोरी लेते हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है गाइस तो इंस्टाग्राम पे करें फॉलो, वहाँ पे अपडेट देखने के लिए। सवाइक हो गया भाई, तो स्टोरी लेते हैं, चलते हैं यहाँ से। ये मेन रोड जो कनेक्ट करता है बिलासपुर को बैठी से, तो भाई इसकी हालत देख सकते हो आप भाई, बहुत ही क्या बोलूँ मैं भाई। बैग निकल गया पीछे से, म्यूजिक ऑफ करना पड़ेगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। भाई मैंने बैग कैसे लगाया था भाई उस टाइम, और अब देखिए भाई बैग कहाँ पहुँच गया भाई। ये तो अच्छा है भाई, बाइक की भाई टेल लंबी है, इस टेल पे टिका हुआ है ये, वरना ये तो सड़क पे गिरना था ये। अरे नहीं यार, इसको ऊपर सीट पे लगाना पड़ेगा, सीट पे चल बेटा, सीट पे बैठो आराम से। पीछे क्यों भाग रहा है तू, वरना पीछे बांधो तेरे को टेल पे। अगर नहीं टिकेगा तो भाई मैं इस पर एक रस्सी और बांध दूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो भाई, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ढंग से, अब तो भाई रोड ख़राब है, उसके आगे तो गाड़ी तेज़ चलनी है थोड़ी, फिर ना हो कुछ इसको, ऐसा ना हो मैं शिमला पहुँच जाऊँ और भाई खाली पहुँच जाऊँ बिना बैग के। और ये क्या हुआ भाई, जाना कारण से आना अखबारों से। तो यहाँ पे मार दिया मैंने जॉइंट इसको, ये बात बड़ी लगती है मेरे को बाइक की भाई, ये डिज़ाइनिंग, तो यहीं पे मार दिया मैंने इसको तगड़ा गांठ। अब चलते हैं भाई, अब नहीं जाएगा, अब जाएगा तो जाने दो, फिर क्या रुक, जाने वाले को कौन रोक सकता है भाई, है ना। तो देवी और सज्जनों, फाइनली अपना स्ट्रगल हुआ ख़त्म भाई, और कनेक्ट कर गया हूँ मैं NH के साथ। अपने को यहाँ से लेना है राइट, और राइट चला गया आपको बिलासपुर चंडीगढ़ से 97 किलोमीटर। एशिया का सबसे लंबा पुल दोस्तों, कंदरौर पुल, पहले तो ये ही होता था, पता नहीं अब कोई और आ गया तो पता नहीं भाई, फिर मेरी जनरल नॉलेज काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं है तो इसलिए। चलो भाई चलो 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 चलो, दिस स्टेशन इज घाघस। तो अभी अपन पहुंच गए हैं घाघस, और यहाँ से कटता है आपका मनाली वाला रोड। यहाँ पे क्या हुआ है ये है? खोखा दुकानें हटा रहे हैं भाई यहाँ से, यहाँ पे पुलिस ही पुलिस है भाई। गलत जगह ब्रेक ले ली यार मैंने, एक्चुअली मेरे को पानी पीना था यार, यहाँ पे कोई शॉप नहीं है, वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे तो है नहीं पानी, तो ऐसा करते हैं अब आगे 15 किलोमीटर आगे एक पॉइंट आना है ब्रह्मपुखर, तो वहाँ पे चल के भाई वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे पीते हैं पानी भाई, गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। घर से भी मैं पानी लेके नहीं आया, मुझे लगता है कि रास्ते में मिल जाना पानी, पर यहाँ पे है नहीं भाई, वहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा है। जहाँ पे आपको बताया मैं वहाँ पे कि दुकानें उखाड़ी जा रही हैं, कल जाएंगे शिमला यूनिवर्सिटी गाइस, और आज तो मैं रूम में पहुँचूँगा मनु के, और कल वहाँ से ही यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है समर हिल का। तो 5 बजे तक भाई पहुँचना है अपने को शिमला, क्योंकि 5 बजे भाई अंधेरा हो जाएगा भाई, वहाँ पे ठंड बहुत होने वाली है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई अंधेरा होने से पहले पहले भाई पहुँच जाऊँ टाइम से। थोड़ी हिम्मत आई यार कि मैं शिमला पहुंच सकता हूं, पहले हिम्मत टूट गई थी मेरी, मुझे लगा मुझे वापस जाना पड़ेगा, गला सूख गया था ना बहुत ज़्यादा इसलिए। भाई आगे आप देख रहे हो भाई एक बाइक वाला चला है गाइस, देखना आगे स्प्लेंडर वाला चला हो भाई, इसने भाई तहलका मचा रखा भाई, भाई इसने पूरा एक्सीलेटर घुमा रखा है भाई बाइक का, स्प्लेंडर की माँ भी ने कर रखी है भाई इसने इस टाइम। गाड़ी वाले भी हंस रहे हैं सारे, ऐसे कट वट मार रहा है भाई, इसके सामने 3 फेल है, देखो 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 ओ। पर यार मेरे को डर लग रहा है अपनी बाइक का, भाई मेरी भाग गई ना भाई, ये तो निकल जाएगी नीचे से। तो दोस्तों ये जगह आई थिंक सोलन में है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन पड़ गया, और 10 या 15 किलोमीटर के आगे पड़ जाना है शिमला। तो अभी शिमला से मैं हूँ अभी कुछ 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया सारे शिमला का, और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है भाई, और मौसम भी साफ़ हो गया, पहले तो क्लाउडी वेदर बता रहा था आज, पर मौसम साफ़ हो गया, तो चलते हैं यहाँ से शिमला। भाई क्या ही जाम लगा रखा है भाई यहाँ पे,
तक कर दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई गोप्रो में चार्जिंग नहीं है भाई, डेड होता है।